हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विवेक पांडे एकेडमी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स विच इज लोकेटेड इन मुलुंड मुंबई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं, आपको प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैकल्टीज़ के बारे में। तो जो किसी भी कॉलेज में किसी भी डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज़ होते हैं वो बैकबोन होते हैं। अगर आपके फैकल्टी अच्छे नहीं होंगे तो आपका कोर्स भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। कितना भी आप अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे लेकिन फैकल्टीज, टीचर्स, प्रोफेसर्स अच्छे नहीं होंगे तो आपका कोर्स ही नहीं अच्छा हो पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैकल्टी के बारे में। तो यहाँ के जो मुलुंड कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लीनियंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, बहुत सारा एंटरटेन करके, बहुत सारे आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से यहाँ के फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज़ को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड में एडमिशन प्रोसीजर। तो आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 12th का बेसिस पे आपको UG कोर्सेज में और ग्रेजुएशन के बेसिस पे PG कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना है, जो MUM का वेबसाइट है, आपको उस पर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फिर आपको मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर आपको जिस भी कॉलेज में जाना होगा उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है और आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है, आपको अप्लाई कर देना है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट लगेंगी आगे चल के। तो जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन में फॉर्म में नाम आ जाएगा तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं और जिस भी कॉलेज में के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आपको फ़ीस भर के एडमिशन लेना है। तो एडमिशन प्रोसीजर मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत आसान सा है। प्री एडमिशन फॉर्म भर के फिर कॉलेज का फॉर्म भर देंगे तो आपका जो भी कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो मेरिट लिस्ट 17 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलना है। फिर आगे चल के भी आपको मेरिट लिस्ट निकलने वाला है आगे चल के। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक PDF का, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज का कैसे आपको फॉर्म भरना है। आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का जो भी गाइडलाइंस आए हैं वो मैं आपको दे दूंगा और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर वीडियो में साइड में लगा दूंगा। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसे आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पर। अब मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला कोर्स है BCom, BA, BSc और MSc और MCom भी यहाँ पर अवेलेबल है, और BMM, BMMC जो हमारा मास मीडिया होता है वो अवेलेबल है, और हमारा जो BMS होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये 7-8 कोर्सेज अवेलेबल है। PhD इन बिजनेस भी यहाँ पर अवेलेबल है मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि ये कॉमर्स के लिए कॉलेज है यहाँ पर, इसलिए BCom से लेकर MCom, PhD सारे कोर्सेज यहाँ पर कॉमर्स के अवेलेबल है। साइंस और आर्ट्स के भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप मुंबई में कोई कॉमर्स के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो मुलुंड में ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है हमारा मुंबई में। तो अब मैं आके यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है 50-60% स्टूडेंट्स को मिलता है प्लेसमेंट, जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी सारे सेमिस्टर्स में पास होते हैं, बैक नहीं होता है, उनको यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 15-20,000 या 20,000 के ऊपर भी यहाँ पर MCom और PhD और BCom के बाद या फिर बहुत सारे कोर्सेज के बाद अलग अलग कंपनीज़ में ICSE, TCS और बहुत सारी कंपनीज़ में यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं मिलते पर तो भी एक एवरेज टाइप का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जिसमें प्लेसमेंट मिलता है तो मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी प्लेसमेंट्स मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, पर आप रूम अपार्टमेंट वगैरह चाहें तो आपको कॉलेज के आसपास या फिर मुंबई में आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करें, और वीडियो अगर आप अब तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कॉलेज रिव्यू, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वीडियोस और करियर गाइडेंस और बहुत सारी वीडियो आगे चलकर आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में।